दोस्तों, आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमारी सुख सुविधाओं के लिए जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए वो हमारे आसपास आसानी से मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि उन सुख सुविधाओं के हम इतने ज़्यादा आदि हो चुके हैं, इतने ज़्यादा आश्रित हो चुके हैं कि पहले जो बीमारियाँ हमने सपने में भी नहीं सोची थी, पहले जिन बीमारियों का कभी ख्याल नहीं आया था, आज वो बीमारियाँ बच्चों तक में होती हैं, आज वो बीमारियाँ हर दूसरे इंसान में देखने के लिए मिल रही हैं। तो आज ऐसी ही एक बीमारी के बारे में मैं बात करूंगी जिसको कहते हैं विटामिन डी की डिफिशियंसी, यानी जब हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होने लगती है उससे क्या होता है कि हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। और जैसा कि आप सभी ने बचपन में ये ज़रूर पढ़ा होगा और सुना होगा कि विटामिन डी का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वो होता है सूर्य, सन और सूरज। आपको नहीं लगता कि हमारा दुर्भाग्य है कि जो चीज़ मुफ्त में अवेलेबल है उसकी भी डिफिशियंसी हमें हो रही है? हमारी हड्डियाँ बनी होती हैं कैल्शियम से, और हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए चाहिए होता है विटामिन डी। जब हमारे शरीर में विटामिन डी का कमी होता है तो हमारे दांत कमज़ोर होने लगते हैं, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, हमारी मसल्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं। तो इसीलिए विटामिन डी का हमारे शरीर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों, सूरज से लोगों को इतना ज़्यादा डरा दिया गया है, ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, सनस्क्रीन बनाने वाली कंपनियां हैं, और ऐसी कंपनियां जो ये दावा करती हैं कि हम 7 दिन में आपको रातों रात गोरा कर देंगे या आपके चेहरे का रंग बदल देंगे, आप धूप में ना जाएं, ये सारी कंपनियों ने हमारा दिमाग ख़राब कर दिया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारा शरीर 5 चीज़ों से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। अग्नि मीन्स हीट, यानी सूर्य। हमारे शरीर के लिए गर्मी या सूर्य बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जब हमारे पूरे शरीर में सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो अपने आप नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, हमारी हड्डियाँ मजबूत बन जाती हैं, स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं। तो जब भी कभी मौका मिले बेधड़क सनबाद कीजिए, बेधड़क सूर्य की किरणों को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करिए। और सबसे अच्छा वक्त कौन सा होता है विटामिन डी लेने का? अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सूरज उगे। जैसे ही सबसे पहले सूरज उगे, सूरज की जो पहली किरणें हैं वो अपने शरीर में धारण कीजिए। और सूरज की पहली किरण जब अपने शरीर में धारण करते हैं उसके साथ अगर आप सूर्य नमस्कार कर लें, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। ये सोचने वाली बात है कि भारत जैसे देश में भी क्या किसी को विटामिन डी की कमी हो सकती है? जी हाँ, जब हम काम करना बंद कर देते हैं AC यानी अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, और पूर्णतः आश्रित हो जाते हैं आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल वाले AC यानी एयर कंडीशन पे। कैसे? सारा दिन हम जब घर पे रहते हैं AC का इस्तेमाल किया, सुबह उठे फ्रेश होके AC वाली गाड़ी में बैठ के हम ऑफिस गए, फिर AC वाले ऑफिस में बैठ के काम किया, फिर AC वाली गाड़ी में ही बैठ के घर आ गए, फिर AC वाले घर पे ही हम अपना सारा वक्त बिताते हैं। तो हमने अपने आप को इस तरीके से पैक कर लिया है, हमने अपने आप को प्रकृति से इतना दूर कर लिया है कि ऑब्वियसली जब हम प्रकृति से जितना दूर जाएंगे उतना ही हमारा शरीर जो है वो वीक बनेगा, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर बनेगी, हमारा जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा। तो अपने आप को प्रकृति से कभी भी इतना दूर ना करें कि जो चीज़ें मुफ्त में मिलने वाली हैं उनके लिए भी हमें दवाइयों पे आश्रित होना पड़े। जी हाँ, जिन लोगों को विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है उन लोगों को दवाइयाँ भी खानी पड़ती हैं। तो ये आपके ऊपर है दोस्तों कि जो चीज़ मुफ्त में उपलब्ध है आप थोड़ी देर सूरज के किरणों को अपने शरीर में धारण कर सकते हैं, या कि अपने पैसे को, मेहनत से कमाए हुए पैसे को आप बर्बाद करना चाहते हैं गोलियों और दवाइयों में। और गोली और दवाई अगर आप खाते भी हैं तो वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जब तक आप इन गोलियों को खाते हैं, इन दवाइयों को खाते हैं, तब तो चीज़ें ठीक है, लेकिन जैसे ही आप खाना बंद कर देंगे फिर क्या होगा ये सोचिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो के बारे में अगर कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में नीचे करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी और समस्या या परेशानी है किसी तरीके की तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, सो दैट इस चैनल में बताई गई जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं वो बहुत सारे लोगों तक पहुँचें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।